नमस्कार दोस्तों, डीके 3D होम डिज़ाइन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, मेरा नाम डीके लोनकर है और मैं आपके लिए नए नए प्लान लाता हूँ। तो आज भी आपके लिए एक नया प्लान लाया हूँ। इससे पहले यह स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, यह हमारे ऑफिस के नंबर है। अगर आपको प्लान और डिज़ाइन की ज़रूरत है तो इन नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सअप करके क्या फ़ीस होती है, क्या प्रोसेस होती है, उसकी जानकारी ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह वो प्लान है जो आज हमने आपके लिए लाया है। यह प्लान जो है, यह क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया गया था। मतलब उनका बजट कम था तो उनके हिसाब से यह प्लान बनाया था। तो देखिए, 20 फीट हमारा फ्रंट है, विड्थ है हमारा, मतलब 20 फीट फ्रंट है, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर 20 फीट हमारा फ्रंट है और उसके बाद में 40 फीट जो है हमारा लेंथ है प्लॉट का। मतलब 20 बाई 40 का हमारा यह प्लॉट है। उसमें क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि 1 BHK छोटा कम बजट में यह प्लान बिठाए जाए। तो देखिए, कम बजट में है 1 BHK प्लान, तो एक छोटा सा लिविंग रूम है, छोटा सा किचन है और उसमें देखिए छोटा सा एक बेडरूम है। और यहाँ पे जो पार्किंग का एरिया है ये ओपन रहेगा, मतलब यहाँ पे स्लैब नहीं डालने वाले। यहाँ तक ही इनका स्लैब डाल सकते हैं या यहाँ तक हम स्लैब डाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप ये पूरा स्लैब भी डाल सकते हैं, लेकिन अब ये क्लाइंट का रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया गया था तो उनका बजट कम था तो हम यहाँ से यहाँ तक ही स्लैब डालने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारा रोड है और इस साइड में देखेंगे तो दूसरों की जगह है। पीछे जो है वो वहाँ पे भी दूसरों की जगह है और इस साइड में भी दूसरों की जगह है। तो देखेंगे तो पीछे जो है 2 फीट का पैसेज छोड़ दिया है हमने, यह वेंटिलेशन, इस बेडरूम के वेंटिलेशन के लिए। मतलब यहाँ पे हम स्लैब नहीं डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे स्लैब डालेंगे तो हमारा वेंटिलेशन पैक हो सकता है। तो इस यहाँ से ओपन रखेंगे तो देखिए यहाँ पर भी वेंटिलेशन मिलेगा और इस टॉयलेट को भी वेंटिलेशन मिलेगा। तो देखिए, हम रोड से स्टार्ट करते हैं। पहले रोड से यहाँ से आते हैं तो देखिए हमारा पूरा पार्किंग का एरिया हमें मिल रहा है। उसके बाद में देखेंगे तो यहाँ पे हम ओटे पे इस चढ़ने वाले हैं, इस वरांडे पे, ठीक है। यहाँ से फिर जाने के बाद एक तो देखेंगे तो ऊपर फर्स्ट फ्लोर की तरफ हम जा सकते हैं। मतलब यहाँ से हम स्टेप स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर टर्न मार के हम यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। मतलब ये जो सीढ़ी है यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ तक पहुँच जाएगी। 3 फीट का यहाँ पे पैसेज है। उसके बाद में देखेंगे तो ये लिविंग रूम का हमारा मेन डोर है। लिविंग रूम में हम एंट्री करते हैं तो लिविंग रूम का साइज़ जो है लगभग 10 फीट 5 इंच है। इसके बाद में 11 फीट 1 इंच यहाँ तक है, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे तो हम किचन में एंट्री कर रहे हैं। देखिए, किचन का साइज़ जो है लगभग 9 फीट 11 इंच बाय 7 फीट 5 इंच का है, मतलब 10 बाय 7.5 का यह हमारा किचन है। तो एक छोटा सा किचन है, यहाँ पे एक अच्छा सा विंडो दे सकते हैं क्योंकि फ्रंट साइड में हमने जगह छोड़ दी है। उसके बाद में देखेंगे तो किचन को यहाँ पे देखेंगे तो एक ओपन टू स्काई रखा है, मतलब यहाँ पे हम स्लैब नहीं डालेंगे। ये जो है ये यूटिलिटी, किचन के लिए यूटिलिटी यूज़ कर सकते हैं, मतलब ये वॉश एरिया यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसका साइज़ जो है 3 फीट 8 इंच बाय 6 फीट 5 इंच का है, तो काफ़ी सफिशियंट है। उसके बाद में देखेंगे तो देखिए यहाँ पे आ रहे हैं तो देखिए, एक तो हम ये WC और ये बाथरूम का एरिया आ रहा है, ठीक है। WC का जो साइज़ है, मतलब ये टॉयलेट का साइज़ जो है 3 फीट 8 इंच का है, तो जनरल साइज़ है। उसको देखेंगे यहाँ पे वेंटिलेशन दिया है। उसके बाद में देखेंगे तो ये बाथरूम का साइज़ जो मिल रहा है लगभग 3 फीट 7 इंच बाय 7 फीट 5 इंच का है, मतलब 3.5 बाय 7.5 का यह हमारा बाथरूम है। इसमें अटैच भी एक कमोड भी हम सीट्स बिठा सकते हैं, वेस्टर्न सीट्स, ठीक है। इसके बाद में देखेंगे तो यहाँ पे हमारा बेडरूम आ रहा है जो जिसका साइज़ है 10 फीट 9 इंच बाय 8 फीट, ठीक है। तो इस टाइप में ये सिंपल सा प्लान, इसको इस बेडरूम को देखेंगे तो देखिए पीछे एक डोर रखा है, मतलब ये जगह यूज़ भी कर सकते हैं। यह जगह जो है हमें छोड़नी नहीं है, यहाँ पे हमारी वॉल कंपाउंड रहेगी और इसके अंदर की जगह जो है हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस टाइप में यह सिंपल सा प्लान था। आशा करता हूँ कि आपको यह डिटेल में समझ में आया है और पसंद भी आया है। अगर आपको यह प्लान पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपको यह प्लान पसंद नहीं भी आता है तो प्लीज़ किसी और के लिए यह प्लान शेयर कीजिए, क्योंकि यह कम बजट में यह प्लान हो सकता है यहाँ से यहाँ तक। तो किसी और, किसी का चॉइस हो सकती है यह प्लान, तो प्लीज़ किसी और के लिए यह प्लान शेयर ज़रूर करें। और इस वीडियो को देखने के लिए, आपने आपका जो कीमती समय दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।